वेलकम वेलकम, आप सभी का सोमिस किचन में स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फिर से एक न्यू रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट हो या फिर इवनिंग स्नैक्स हो, आप उसे इजीली खा सकते हैं या फिर आप उसे बच्चों के टिफिन में भी आप बनाकर दे सकते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल सोया नूडल्स की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं नूडल्स ली हूँ, तो नूडल्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ ली हूँ। तो यहाँ पे अब मैं कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। साथ ही इसमें मैं यहाँ पे सरसों का तेल मैं यहाँ पे ऐड की हूँ पानी में। आप चाहे तो इसमें आप रिफाइन ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है और ये मैं नूडल्स इसमें डाल दी हूँ, देख सकते हैं। तो ये नूडल्स जो मैं ली हूँ आटा नूडल्स है, तो इसे लगभग 3 मिनट तक इसे पका लेना है, इस तरीके से बॉईल कर लेना है। तो देख सकते हैं अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है। तो नूडल्स अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तेल डालने से नूडल्स एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। तो ये अच्छे से बॉईल हो गए, तो अब मैं इसे छान ले रही हूँ। तो छानने के लिए यहाँ पे मैं एक छलनी ली हूँ और इसके नीचे एक बर्तन रखी हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं पानी भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ, साथ ही नॉर्मल पानी से भी इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से मैं धो ले रही हूँ। तो अच्छे से पानी छन चुका है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल मैं यहाँ पे ऐड की हूँ। तो इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ ताकि ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे फिर से मैं पानी उबलने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पे मैं सोया बड़ी या सोया चंक्स भी आप इसे कह सकते हैं, तो उसे डाल दी हूँ। बस इसे 30 सेकेंड्स तक इसी तरीके से उबाल लेना है। तब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और इसे छान लेना है। तो यहाँ पे फिर से एक मैं कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ली हूँ, लगभग यहाँ पे 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं सरसों का तेल ली हूँ। और नूडल्स में थोड़ा सा तेल जो है ज़्यादा ही लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ। और आप चाहे तो इसे रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सब्जी ली हूँ कुछ, जैसे कि यहाँ पे कैप्सिकम है, गाजर है। तो गाजर को मैं इस तरीके से पतले पतले टुकड़ों में कट कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज ली हूँ, प्याज को भी मैं काट ली हूँ। और यहाँ पे आप अपने स्वादानुसार मिर्च ले लीजिएगा कि आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च ज़्यादा मत लीजिएगा। तो तेल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले गाजर को मैं फ्राई होने के लिए रख दी हूँ। तो लगभग इसे 3 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद इसमें मैं शिमला मिर्च डाल दे रही हूँ और साथ ही यहाँ पे मैं हरी मिर्च भी डाल दी हूँ। तो अच्छे से इसे मिला लेना है और फिर से इसे 1 मिनट के लिए इसे पका लेना है। अब मैं इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ और ये ध्यान में रखते हुए नमक डालिएगा कि पहले भी हम नूडल्स में नमक ऐड कर चुके हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ और ये सारी सब्जियाँ जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें कट किए हुए प्याज ऐड कर दे रही हूँ। तो इसे भी लगभग 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे भी भून लेना है अच्छे से। तो लगभग 1 मिनट तक इसे मैं भून ली हूँ। तो अब बीच में इस तरीके से मैं थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हैं जगह बना ले रही हूँ और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। वैसे तो नूडल्स में ग्रेट किया हुआ या छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ अदरक लहसुन ऐड किया जाता है, बट मैं यहाँ पे पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ये टेस्टी लगता है। तो इसे भी लगभग 30 सेकेंड्स तक इसे भून लेना है ताकि इसका कच्चापन चले जाए और मीडियम फ्लेम पे ही इसे पका लेना है इसी तरीके से। तो ये अच्छे से भून गए हैं, अब मैं गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ बिल्कुल।
तो अब मैं इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून टोमेटो सॉस ऐड की हूँ और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड की हूँ क्योंकि ये डार्क सोया सॉस नहीं है। तो सॉस को भी अच्छे से 30 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम पे भून लेना है। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए मैं सोया बड़ी ऐड कर दी हूँ, इसे भी अच्छे से भून लेना है लगभग 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे। तो देख सकते हैं हाई फ्लेम में भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं और सोया बड़ी भी अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स मैं डाल दी हूँ और थोड़ा सा फिर से मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप एक बार फ्राई करते समय आप एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, तो मैं तो इसे स्पैचुला से मैं मिक्स कर ले रही हूँ और आप चाहे तो नूडल्स मिक्स करने वाला स्पैचुला आता है उससे भी मिक्स कर सकते हैं या फिर जो फोर्क आता है उससे भी आप 2 फोर्क की मदद से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो इसे लगभग 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से मैं भून ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस सा टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल सोया नूडल्स बनकर रेडी है। तो आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।